और यहाँ पे जो वोटे बने हुए थे अतिक्रमण था, तो उसे हटाने के लिए जेसीबी लगाना जरूरी था। तो हमने सारे दुकान वालों से बात की, बोले आप लोग कब अपनी दुकानें बंद करते हैं, तो बोले भाई हम 11 बजे तक दुकान अपनी अपनी पॉइंट अप कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो उसके बाद हमने अतिक्रमण के लिए जेसीबी वाले से इनसे इनकी सबसे सहमति के साथ रात में जेसीबी और डंपर लगाए। उस सहमति थी सब? बिल्कुल बिल्कुल, सबकी सहमति थी, आप सबसे बात कर सकते हैं, हमने बोला था सबको। कुछ लोग बोल रहे कि जो है रात में 11 बजे छोड़ा गया, जबरदस्ती तोड़ा। अरे जबरदस्ती काहे के तोड़ा गया, सबको एक दिन पहले बोला है, ऐसा कैसे जबरदस्ती तोड़ा गया, कौन बोल रहा है, बोलो उसके सामने लाओ। यहाँ से लेके पानीपुरा भाजी मार्केट तक जाता था, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ काम हो रहा है। मेरे को याद भी नहीं कि यहाँ काम कब हुआ था लास्ट टाइम, शायद मैं पैदा भी नहीं हुआ होगा। अभी मेरी उम्र तकरीबन 23 से 24 साल है, लेकिन आज पहली बार मैंने देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक काम हो रहा है। अभी तो खैर मान लो गटर पे था तो जाहिर सी बात है तोड़ा ही जाएगा, हाँ, और फिर बन जाएगा तो भाई आगे अपने को जो है कि आराम ही रहेगा, उससे कोई तकलीफ नहीं है। हाँ हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं। देखो यहाँ पे वो तो ये लोग ही सब तोड़े हैं और वो तो बना के देने वाले। तो ये तोड़ने से आपको कोई दिक्कत है, तकलीफ है? नहीं भाई, कोई तकलीफ नहीं है, थोड़े टाइम के लिए तकलीफ होगी मगर काम अच्छा हो जाएगा तो फिर कोई तकलीफ नहीं है। आ रहा था, परेशानी हो रही थी, गटर का पानी ऊपर से बह रहा था, परेशानी हो रही थी। जायद भाई करा रहे थे तो हो गया काम, उसपे भी लोग उंगली कर रहे। हाँ, उसपे भी लोग, जावेद भाई को हम लोग पीछे लग लग के बनवाए हैं, उसपे भी लोग झगड़ा कर रहे, क्यों बना रहा, क्यों कर रहा, ऐसा कर रहा, वैसा कर रहा, उसको मारने उठ रहे, बहुत बोल रहे। हम लोग खड़े थे उनके साथ में रात में 2-3 बजे तक, जावेद भाई के साथ खड़े थे ना हम लोग 2-3 बजे रात तक। अच्छा काम हो रहा है? अच्छा ही काम हो रहा ना, जब भी तो खड़े ना उनके साथ, अच्छा काम कर रहे तो खड़े ना उनके साथ। चाहिए सही सही है, इधर से नाली, उधर से नाली, इधर से, अब नहीं चलेगा जावेद भाई, बनाएंगे तो हो गया नहीं तो फिर जाने दो, छोड़ दो वैसे। तो जावेद भाई बना रहे ना अभी, अभी तो काम चालू है, काम चालू है, देखो अभी कितने लोग उंगली कर रहे हैं उसके अंदर, बनता है कि नहीं बनता है क्या। आप लोग जावेद भाई के साथ ही है ना? हाँ, हम लोग जावेद भाई के साथ हैं। तो बहुत से लोग बोल रहे कि जबरदस्ती ये काम करवा रहे, कुछ तकलीफ नहीं थी यहाँ के लोगों को? बहुत तकलीफ थी, पानी गटर के ऊपर से और गटर से जा रहा था पानी, बह रहा था, उसमें नवाजी आते हैं, बुड्ढे इंसान आते जाते, नवाजी आते जाते, पानी गटर का ऊपर से बह रहे, इतनी तकलीफ हो रही है, आवाज बंद रहे तो उनको तकलीफ हो रही है। तो जब से काम चालू है कोई ना कोई आके रुका दे रहे, आपको आएगा तो तुम लोग जावेद भाई के साथ हो? हाँ, हम लोग तो है साथ में, हमको आराम चाहिए। यहाँ बहुत सारे, बहुत दिन से गंदगी चल रही थी, पानी बहुत बहाव था, लोगों को आना जाना भी दुष्कर था। तो हम लोगों ने बहुत बार म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन गए, उसके लिए 2-3 बार उनको निवेदन भी किया कि जल्दी से काम चलाए, तो नगर सेवक ने एक्शन लेते हुए ये काम शीघ्र चालू करा। जावेद भाई, जावेद भाई, तो लोगों का आरोप है कि आप जैसे यहाँ पे दुकान वाले हो, तो लोगों का आरोप ये है कि जबरदस्ती दुकान में, मतलब जो दुकान की जगह है वो भी तोड़ी जा रही है। नहीं नहीं, जगह तो दुकान की जगह, आप लोग ये काम के खिलाफ हो क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल इसके सहमत है हम लोग, हमने खुद ने इनको ज्ञापन दिया था कि आप करवाइए, हम तो आपके साथ है। तो उन्होंने इसके खिलाफ, मतलब वो तो ऐसा ही, एक जो कोई अच्छा कार्य करने उनके साथ में कुछ लोग ऐसे होते ही, एंटी करप्शन में होते ही। मतलब आपको कोई तकलीफ नहीं है? नहीं 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 नहीं, सामने जो नहीं, हमारा जाने का रास्ता तैयार कर दिया ना, ठीक है, और उनको मैं शुक्र थैंक यू भी बोलते। अरे भाई, गटर की वजह से तो इतनी बड़ी तकी कि नमाजी के ऊपर छीटा जाता था, पानी जाता था, कचरा जाता था, रोड पर पूरा माथे ले जाता था, कौन बच करता है? गटर बन रही अच्छा है ना, अच्छा काम होने में कौन परेशानी है? यहाँ तो कुछ लोग बोल रहे कि जो है रात में 11 बजे तोड़ा गया, जबरदस्ती तोड़ा। अरे जबरदस्ती काहे के तोड़ा गया, सबको एक दिन पहले बोला है, ऐसा कैसे जबरदस्ती तोड़ा गया, कौन बोल रहा है, बोलो उसके सामने लाओ। ऐसा तो आपका नाम बोलो। मेरा नाम अब्दुल सलाम कुरैशी।
जावेद भाई काम भी करा रहे हैं, कोई कुछ राज के किसी से एक दिन सुबह सवेरे शाम को बोला है कुछ की यहाँ के भाई हटा लो, खुशी से सब हटाया अपना अपना सामान, किसी को तकलीफ नहीं, किसी को तकलीफ, कोई हुज्जत नहीं, कोई तकरार नहीं। तो और जो लोग बोले थे जबरदस्ती तोड़े ये वो, नहीं जबरदस्ती बोलने वाला तो भाई गलत कुछ भी बोले, अच्छा काम हो रहा है आपके, अच्छा काम हो रहा है। हमारी समझ से जितने नमाजी को हमको परेशानी हो रही थी, बहुत बड़ी परेशानी, यहाँ से वहाँ तक आ रहे थे, छीटा पड़ रहा था, पब्लिक जा रही, छीटा पड़ रहा, कचरा लग रहा था, गटर का पानी ऊपर आ रहा था। हमारी समझ से तो एकदम अच्छा है भाई। हाँ भाई 10-12 साल के परेशान हम लोग हुए, बहुत ज़्यादा ये काम हुआ तो अच्छा हुआ, एक नंबर काम हुआ भाई। कौन कर रहा है? जावेद भाई करे। तो बहुत से लोग बोल रहे कि मतलब ये जो काम हुआ है उन लोग को बिना बताए तोड़े हैं। नहीं नहीं भाई, हम लोग सुबह में जुम्मा वाले दिन सुबह ही बोल के गए हम लोग। अच्छा, सुबह में ये बोल दिया कि तोड़ेंगे? हाँ। अच्छा, और तुम लोग की दुकान वुकान का भी कुछ तोड़े क्या हो? नहीं नहीं भाई, हम लोग को नुकसान नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ, नहीं मतलब जो लोग, अरे अच्छा काम हो रहा है ना भाई। हाँ, गटर ऊपर पानी बह रहा है, नल भी नहीं आ रहा, पावर भी कट रहा है। हाँ, तो अच्छा काम हो रहा है, एक नंबर काम हो रहा है भाई, अच्छा काम हो रहा है। आप लोग जावेद भाई के साथ हो? हाँ, जावेद भाई साथ हम लोग हैं भाई। ठीक। हाँ भाई, गटर थी यहाँ, मेरे को भी बहुत तकलीफ थी, ये मेरी होटल है, यहाँ रोड पे पानी जाता था, आने जाने वाले को बहुत तकलीफ होती थी, ये बन रहा है तो अच्छा है, अच्छा काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। तो बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि जो मतलब यहाँ से तोड़े है तो उनकी लोगों का जो धंधा है, जो गाला है, वो भी तोड़ दे रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बता के काम हो रहा है ना? हाँ, दो दिन पहले ही बोल दिए थे। तो भाई पहले यहाँ पर तकलीफ थी कि नहीं? पहले भाई मैं क्या बताऊँ यहाँ पे कितनी तकलीफ थी, हम सब जितने भी लोग हैं यहाँ पे, यहाँ से लेके पानीपुरा भाजी मार्केट तक जाता था, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ काम हो रहा है। मेरे को याद भी नहीं कि यहाँ काम कब हुआ था लास्ट टाइम, शायद मैं पैदा भी नहीं हुआ होगा। अभी मेरी उम्र तकरीबन 23 से 24 साल है, लेकिन आज पहली बार मैंने देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक काम हो रहा है। अभी काम ये काम भाई जावेद कारपोरेटर है, उनके तरफ से हो रहा है, जावेद खान मुन्ना पेंटर के लड़के। ये गाला मैंने लिया तकरीबन 2 महीना हो गया, दिखाइए जरा इधर, इधर नीचे दिखाइए। ये गाले की इतनी ख़राब हालत थी, यहाँ पे गटर था और गटर जो है पूरा रोड पे आता था, तो मैंने ये गाला अभी तक चालू नहीं करवाया। अभी फिलहाल यहाँ का काम पूरा हो जाएगा तो मैं अपना ये धंधा यहाँ स्टार्ट करूँगा। हाँ, मट्टी भी हर चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, गटर थी यहाँ पे। तो मैंने जायद भाई से बात की, जायद भाई बोले नहीं यहाँ का हो रहा है, और उन्होंने मतलब मेरी बात को मतलब ध्यान में रखते हुए यहाँ के काम को अंजाम दे रहे हैं, यहाँ से लेके पूरा नीचे तक सबकी सहमति से काम हो रहा है। एकदम बिल्कुल भाई बिल्कुल, हम सब लोगों का बोलना है कि जो गाले लोगों के वो भी तोड़े जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गाला किसी का नहीं तोड़ा जा रहा है, ना किसी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यहाँ पे बता के काम किया जा रहा है, और 2 दिन पहले हमको बताया गया था कि यहाँ काम शुरू होने वाला है। कुछ लोग इसका विरोध भी करें तो आप लोग जावेद भाई के साथ में? नहीं नहीं, हम सब जावेद भाई के काम साथ में है, क्योंकि यहाँ पे जो विरोध करने वाले हैं ये वो लोग हैं जो ये मोहल्ले के शायद नहीं है। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे किसने क्या विरोध किया है, क्योंकि मैंने ऐसा सुना था कि कुछ लोग हैं यहाँ पे जो भाजी मार्केट से इधर उधर से आके मतलब कुछ उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो काम हो रहा है ये मोहल्ले वाले यहाँ के काम से बहुत खुश है। मैं खुद, मेरा यहाँ धंधा है, मैं भी बहुत खुश हूँ। तो शोएब भाई, ये जो काम चालू हुआ है यहाँ पे जावेद भाई की तरफ से, तो जुम्मा को रात को जो है अतिक्रमण चालू किया गया था, जेसीपी से खुदाई चालू की गई थी, इसकी क्या वजह थी कि रात में चालू किया गया? पहले तो अस्सलाम वालेकुम फेम भाई और सारे सब्सक्राइबर जो भी फेम भाई के हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, ये रोड मार्केट रोड है, यहाँ पर अमूमन रोज़ सुबह से शाम तक 2 से 3 हज़ार लोग चलते हैं, तो दिन में तो ये काम पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं इतनी गर्दी आ रही जा रही है। और यहाँ पे जो वोटे बने हुए थे, अतिक्रमण था, तो उसे हटाने के लिए जेसीबी लगाना ज़रूरी था। तो हमने सारे दुकान वालों से बात की, बोले आप लोग कब अपनी दुकानें बंद करते हैं, तो बोले भाई हम 11 बजे तक दुकान अपनी वाइंड अप कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो उसके बाद हमने अतिक्रमण के लिए जेसीबी वाले से इनकी सबसे सहमति के साथ रात में जेसीबी और डंपर लगाए। उस सहमति थी? बिल्कुल बिल्कुल, सबकी सहमति थी, आप सबसे बात कर सकते हैं, हमने बोला था सबको। कुछ लोगों ने यहाँ पे विरोध भी किया था कि जबरदस्ती दुकानें लोगों की तोड़ी जा रही है? नहीं नहीं भाई, ऐसा तो कुछ नहीं, जबरदस्ती किसी की दुकानें नहीं तोड़ी गई। हाँ, किसी के वोटे थे जो बीच में नाली के ऊपर बने हुए थे, तो उनसे भी पूछा गया, उन्होंने खुद अपनी सहमति दी कि भाई बिल्कुल, अगर गटर बन रही है तो आप लोग हमारे वोटे खुद तोड़े। वसीम भाई, ये यहाँ पे जो काम किया गया आपकी दुकान के सामने, तो ये पहले कैसा था और अभी कैसा है? अभी तो मान लो काम हो जाएगा तो अच्छा ही रहेगा भाई, 2-4-10 दिन की तकलीफ है,
लेकिन आगे के लिए अच्छा हो जाएगा। तो कुछ आप लोग को इससे दिक्कत है क्या, आपकी दुकान का कुछ होता होता कुछ तोड़ा गया, इससे कोई तकलीफ है? नहीं नहीं, वो तो खैर मान लो गटर पे था तो जाहिर सी बात है तोड़ा ही जाएगा। हाँ, अब फिर बन जाएगा तो भाई आगे अपने को जो है कि आराम ही रहेगा, उससे कोई तकलीफ नहीं है। तो अच्छा काम है, आप लोगों को सपोर्ट करते हैं? हाँ हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं अभी। भाई यहाँ पे क्या क्या तकलीफ थी तुम्हें? भाई यहाँ पे है ना सब पानी बदो रोड पे आता है और गटर भी बहुत जाम है, वो हिसाब से बहुत तकलीफ थी। पानी बहता था? पानी बहुत बहता था। तो अभी क्या हुआ? अभी वो तो ये जावेद भाई ने ये गटर साफ करने के लिए लिए है, देखो यहाँ पे वो तो ये लोग ही सब तोड़े है और वो तो बना के देने वाले। तो ये तोड़ने से आपको कोई दिक्कत है, तकलीफ है? नहीं भाई, कोई तकलीफ नहीं है, थोड़े टाइम के लिए तकलीफ होगी मगर काम अच्छा हो जाएगा तो फिर कोई तकलीफ नहीं है। आप लोग सहमत हो, आप लोग की परमिशन से हुआ ये काम? हाँ भाई।